जिहड़ा दिन है खास दिन है जिन्हों असी बलिदान दिवस के उत्ते मनाया जाता है। अज शहीद भगत सिंह का अज बलिदान दिवस है जिसे संबंध 23 मार्च का दिहाड़ा है जिसे संबंध के अज जिथे जिला तालमेल कमेटी तो होर बहुत सारे क्लबों वालों एक बहुत बड़ा जिहड़ा खूनदान कैंप जिहड़ा आयोजित किया होया है। सामने तस्वीरों के भी देख सकते हो शहीद सुखदेव सिंह शहीद भगत सिंह शहीद राजगुरु तो इन्हों के पहला इतने जगह इन्हों के उत्ते फुल चढ़ाए गए तो उसके बाद बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तस्वीरों के विच ते डोनर जिहड़े है खूनदान जिहड़े वध चढ़ के जिहड़े किया जा रहा तो यह दिहाड़ा जिहड़ा अज खास तौर पर जिहड़ा बहुत ही अहम है पंजाब वास्ते जिहदे विच साडे अज बलिदान दिवस जिहनूं आपां कहा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा संख्या के जिहड़े डोनर जिहड़े इस खूनदान के खूनदान करने लई पहुँच रहे हैं। देखो अज जिस बंदे ने सानू देश वास्ते आजादी दवाई है अज उहदा दिहाड़ा मना रहे हैं शहीद भगत सिंह का। यह जिला यूथ तालमेल कमेटी जिहड़ी हैगी है हर साल भगत सिंह डे दे कैंप लाउंदे आ और एक बहुत अच्छा वड्डा उपराला है और उस तो वध खुशी है भी साडे कोल एसी बस आई हुई है जिहड़ी कि MLA चड्डा जी की बदौलत ठीक हुई है। दो ढाई साल तो बस खराब खड़ी सी करोना भी थोड़ी यूज हुई है बस है हूँ बस ठीक हो दोबारा आ रही है। मैं अदर क्लबों जो होर है उन्होंने भी यह बेनती करदा बिच थोनू कितने कितने अपने एरिए ले जाने चाहते हो तो तुम साडे सिविल सर्जन नाल इत्थे कॉन्टैक्ट करके अपने इस बस का लाभ उठा सकते हैं और जिहड़े डोनर ब्लड कर रहे हैं डोनेट कर रहे हैं और असीं इन्हां दा बहुत धन्यवाद करते हैं बहुत लोगों उत्साह ब्लड देने वाले बच्चे और ये खैर ये जो नौजवान है मैं तो कहना भी जिन्ना क अपना जो ब्लड देने सा सर्कुल भी ठीक रहिंदा सो इस करके हर इंसान एक 2-4-5 बारी ब्लड देना चाहिए तो बहुत वधिया उपराला कर रहे हैं। जी वड्डा कहने का मतलब है भी जी रोपड़ हॉस्पिटल बस जी है वह अवेलेबल है किसी भी पिंड बुला सकते हैं। हाँ जी तुम कितने भी किसी क्लब का है रजिस्टर्ड क्लब अगर थोड़ा क्लब है तो साडे रोपड़ सिविल सर्जन को कॉन्टैक्ट करके बस में जिदा बस का लाभ उठा सकते हैं। ये थोड़ा जन के कोई यह नहीं है भी कुर्सियाँ इकट्ठिया करो टेंट लाओ ये लाओ सारा खर्चा बच जाता है। हाँ जी कुदरती गल खर्चा बच जाए शायद 4 या 5 सीटा ने जो एट ए टाइम ब्लड डोनेट कर सकते हो पूरा स्टाफ वगैरह ये ही सारा बिल्कुल भी चार्ज तो नहीं वसूले जाते ये सिविल सर्जन तुम दस सकता जी। हाँ जी बिल्कुल जी तुम बस के राही डोनेट कर सकते हैं पिंडा पिंड क्लब जो चल रहे हैं और खूनदान महाकल्याण बहुत बड़ी चीज़ है खूनदान करना चाहिए। जी अज असि उस महान पर्व के उपर कट्ठे हुए हैं साढ़े तिना शहीदों की याद के आकर के साढ़े पूरे डिस्ट्रिक्ट जी सा जिला यूथ क्लब तालमेल कमेटी है ये लगातार पिछले 20 साल तो जरा असी इस तरह का जो खूनदान कैंप आ जरा असी इतने ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो असी कोशिश यही की आ कि एक पूरा ऐसा संदेश देिए पूरे ना केवल जिला वासियों बल्कि पूरे साडे पंजाब वासियों के वास्ते कि असी उन्होंने शहीदों ने जिन्ह ने साडे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां अज वो साडे पंजाब तो ने पंजाब के होने वारस पंजाब के वारस ही वह अज उन्होंने कारण के अज असी कोशिश की अज फिर साडे जिला यूथ क्लब तालमेल कमेटी ने कि अज फिर असी और मैं भी तुहानूं दसना चाहुंदा कि पिछला साडा इतिहास रहा है वह तकरीबन 200 के आसपास 200 तो लैके 300 यूनिट तक भी साडे इन्हां नौजवानों ने यूथ क्लबों के लोगों ने जरा जाकर के अपना खूनदान डोनेट करते रहे तो हुण भी अज साडे रश होने के बावजूद भी अज साडे देखो मैनूं लगता हौली हौली जिदा जिदा समा साडा अगे जा जाएगा कि साडा रश होर ज़्यादा वधदा जाएगा। ये बस का भी इस बार इन्होंने अरेजमेंट किया है क्योंकि मौसम को देखते हुए और बाकी इतने का भी पूरा अरेजमेंट किया है भी जिन्हों ने ज़्यादा भी अगर एकदम के बल्क के भी अगर साडे को डोनर्स आते हैं उन्होंने किसी प्रकार की सुविधा ना जी दूसरी हो इसी करके मैं इतों के यूथ क्लब तालमेल कमेटी इतों के सारे यूथ क्लबों इतों के ऑर्गेनाइजर बहुत बहुत वधाई देना चाहना कि जिन्होंने एक साडे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन जरा है वो देने का प्रयास करते हैं बड़ी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जय।